बॉलीवुड की दुनिया में कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे आम आदमी कोसों दूर होता है, और वक्त वक्त पर इंडस्ट्री से जुड़े लोग इन बातों का खुलासा करते रहते हैं। बॉलीवुड के कई सितारे इंडस्ट्री की हकीकत लोगों के सामने लाकर रख देते हैं और बहुत बार एक दूसरे को लेकर विवादित बयान भी दे देते हैं। काफी पहले नेहा धूपिया के एक बयान से बॉलीवुड में सनसनी मच गई। उनका मानना था कि बॉलीवुड में दो ही चीजें बिकती हैं, सेक्स और शाहरुख खान। हालांकि नेहा के इस बयान को उनकी आने वाली फिल्म जूली का प्रमोशन स्टंट मानकर सब भूल गए थे, लेकिन काफी साल बीतने के बाद आज तक नेहा अपने उस बयान पर टिकी है, क्योंकि हाल ही में नेहा ने एक इंटरव्यू में ये माना कि आज भी बॉलीवुड में शाहरुख खान और सेक्स ही बिकते हैं। नेहा ने पिछले दिनों करण जौहर को इंटरव्यू किया, जहां करण ने भी काफी राज खोले। फिलहाल ये शो पोस्टकार्ड है, यानी कि वीडियो नहीं सिर्फ ऑडियो ही अवेलेबल है। खबर के मुताबिक नेहा का मानना है ऐसा इसलिए किया गया कि कैमरा देखते ही सेलिब्रिटीज ना चाहते हुए भी मुखौटा ओढ़ लेते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ये सच्चाई किसी के भी सामने आए। जहां तक रही शाहरुख और सेक्स की बात, तो नेहा ने अपने शो में भी सेक्स पर काफी बातें की, और वो मानती हैं कि वाकई में ये इकलौती चीज है जो इंडस्ट्री में बिकती है शाहरुख खान के अलावा। बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से रोहित की रिपोर्ट।